subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छा हूँ फ्रेंड्स। आज मैं एक न्यू रेसिपी लेकर आया हूँ जो कि ब्रेकफास्ट के लिए है, बहुत ही सिंपल और इजी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको इसका प्रोसेस पता चल सके। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिए हैं, उसको छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिए हैं। एक कप मैंने चॉप ऑनियन लिया है, यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है, 2 से 3 चॉप की हुई मैंने ग्रीन चिली ली है, 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर यहाँ पे लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ मस्टर्ड सीड लिया है, 1/2 टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, इसी यहाँ पे मैंने करी लीव्स ली है, 1/2 टी स्पून मैंने यहाँ पे शुगर लिया है, लेमन जूस लिया है थोड़ा सा, चॉप की हुई ग्रीन धनिया ली है और सॉल्ट लिया है एज़ पर टेस्ट। देखिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है और उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है अपना, और इसको गर्म कर लेंगे। देखिए जब रिफाइंड गर्म हो जाएगा तो इसमें हम अपनी सरसों की सीड डालेंगे, जो मस्टर्ड सीड लिया था मैंने, और इसको चिटका लेंगे। देखिए चिटक गई है, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ अपनी ग्रीन चिली जो मैंने ली थी, और इसमें प्याज जो मैंने चॉप किया हुआ लिया था 1 कप वो डाल दूंगा। इसमें देखिए मैं करी लीफ भी ऐड कर रहा हूँ। इसको फ्रेंड्स हम तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन कलर में ना हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको पहले भून लेते हैं। देखिए ये अभी भूना नहीं है पूरा, लेकिन हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे, ताकि सॉल्ट डालने से क्या होता है, थोड़ा प्याज जल्दी गल भी जाएगा और भून भी जाएगा। तो चलिए हम पहले भून लेते हैं। देखिए ये हो गया है लगभग। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ रेड चिली पाउडर जो लिया था यहाँ पे, फिर मैं डाल रहा हूँ हल्दी पाउडर इसमें। देखिए मैंने यहाँ पे चीनी ली थी, जो वो चीनी भी ऐड कर दी है, और इसको अब अच्छे से मिक्स करते हुए फिर से इसको हम पका लेंगे, अपने प्याज को भून लेंगे। ये बहुत ही यम्मी बनने वाला है, तो आप मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा बिना स्किप किए। देखिए फ्रेंड्स, ये भी हो रहा है और ये प्याज भी देखिए हमारे भून गए हैं। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ अपना लेमन जूस जो मैंने लिया था, और देखिए लेमन जूस डालने के बाद मैं इसमें अपने जो ब्रेड्स लिए थे क्यूब्स कट किए हुए वो डाल दूंगा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, और ये बहुत ही यम्मी बनने वाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्स हो गया है और कितना यम्मी लग रहा है। और ये मेरा जो है कि ब्रेड उपमा एकदम रेडी है। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ जो ग्रीन धनिया लिया था चॉप किया हुआ, उसको डाल दूंगा, और एकदम फ्रेंड्स ये हमारा ब्रेड उपमा रेडी है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।